राजस्थान सरकार के मंत्री और जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। अधिकारियों की मीटिंग के बाद से रूबरू होते हुए प्रदेश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटना को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। शुक्रवार को जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री गर्ग ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां जाते हैं वहां दंगा हो जाता है। इन सब बातों को अगर अलग रखा जाए तो दोस्तों इसमें यह भी बयान उन्होंने जोड़ा, ये बताता है कि या तो लोग इनके कंट्रोल में नहीं है या फिर इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसे प्रयास लगातार चल रहे हैं जिससे अस्थिरता का माहौल बनता जा रहा है। राजस्थान में आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आगे कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं उनका फोकस यही है कि राजस्थान खत्म हो जाता है या तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देश में एक और अकेला व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में है जो इन शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, वो सीएम अशोक गहलोत हैं। उनके सरकार उनके रडार पर है। सरकार को कैसे डाउन किया जाए, खत्म किया जाए, पहले सरकार गिरने की नाकाम कोशिश की गई और अब इस तरह से सांप्रदायिक फैलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों सचिन पायलट जो इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चेहरा है, कहीं बात करें राजस्थान के चुनाव से पहले और उनका नाम इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, तो सचिन पायलट की ना बात करते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत की बात करी। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति पूरे देश में जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सुनियोजित तरीके से विपक्ष की सरकारों को टारगेट कर रही है, हमें इनका मुकाबला करना है। हो सकता है कि वे लोग सफल हो जाएं, संविधान बदल कर हमें हमेशा के लिए ही सत्ता में रहें, लेकिन फिर हमें देश में तो रहना ही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा और तनाव सुनियोजित तरीके से सिलसिलेवार किया जा रहा है। आपसी झगड़े को सांप्रदायिक झगड़ा बताकर ऐसी घटना को बल दिया जा रहा है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की घटना के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को लेकर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, इस पर उन्होंने कहा कि SIT का गठन किया गया है, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। हमारे पास भी सभी फुटेज हैं, उसमें अधिकारी और जनता सब दिख रहे हैं। कोई सत्ता या विपक्ष का नेता होगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सुभाष गर्ग की ये बातें, क्या आपको सहमत है कि अकेले यहाँ पर अशोक गहलोत एक बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे आने वाले वक्त में? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9